एक मिनट It's very good because it gives a flow to life. Music and dance gives a flow to life. It gives momentum, and it's beautiful to see the people doing music album. बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज टिप टिप बरसा पानी जब हम शूट कर रहे थे तब भी मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि टिप टिप बरसा पानी हटके कैसे है, तो मैंने कहा था जब वीडियो आएगा तो आप लोगों का जब प्यार मिलेगा मुझे तो खुद ही पता चल जाएगा कितना हटके है, और बहुत प्यार मिला मुझे ऑडियंस का, तब जाके 4.5 मिलियन हिट्स मिले हैं टिप टिप बरसा पानी को। सेम वीनस ने रिलीज किया था और कोलोसस ने डायरेक्ट किया था और प्रताप और हरीश ने कोरियोग्राफ किया था, बट इस बार हम एक नया फ्लेवर लेके आ रहे हैं, नया गाना है, फ्रेश कॉम्पोजिशन है, अमजद नदीम ने किया है, आई एम द ओनली सेक्सी लेडी। पिछली बार भी मैंने बोला था काम बोलेगा, सो आई फील वीडियो आप लोगों के सामने प्ले हो चुका है, आप देखिए वीडियो कैसा है और खुद बताइए। डेफिनेटली कुछ अलग करना था, पिछली बार अगर हमने हिट दिया है तो उम्मीद ये थी और कोशिश ये थी कि इस बार सुपर हिट दे, इसलिए हम पिछले 3 महीने से वर्क कर रहे हैं इस वीडियो पे। मेरे पिछले जितने वीडियोज़ हैं आउट एंड आउट डांसिंग नंबर है, इस बार हमने हालांकि डांस में फोकस ज़्यादा नहीं किया है, लुक्स और गाने की मेलोडी पे ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि पहली बार मैं कोई फ्रेश गाना कर रही हूँ। डायरेक्टर कोलोसस अजय लवेल अरोड़ा जहाँ पे भी होते हैं छोटे से छोटे प्रोजेक्ट को लार्जर देन लाइफ कर देते हैं, जबकि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने जगह पे। लुक्स यस बहुत ध्यान रखा है क्योंकि आज तक मेरी जो इमेज रही है इट्स अ वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज, स्वीट स्वीट सी, बबली बबली सी, सो पहली बार कोशिश की है टू ब्रेक द मोनोटनी एंड गिव इट अ वेरी ग्लैमरस लुक। मेरी आइडियल है जेनिफर लोपेस, बोलना गलत होगा कि मैं उनको कॉपी नहीं करती हूँ, मैं कॉपी करती हूँ और अच्छी तरह घोल के अंदर पी जाती हूँ, तो कोशिश की है जरा सी भी अगर उनके करीब पहुंच पाऊं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा सक्सेस होगा। इन लास्ट 6-7 इयर्स दैट आई हैव बीन इन बॉम्बे एंड आई बीन डूइंग म्यूजिक वीडियोस, मेरा सबसे पहला टारगेट रहा है लाइव शोज करना बिकॉज दैट इज माई पैशन, इसीलिए शायद एनएसडी छोड़ के एक्टिंग छोड़ के मैं म्यूजिक वीडियोज में आई या आइटम सॉन्ग्स में आई, बिकॉज डांसिंग इज माई पैशन, स्टेज लाइव शोज करती हूँ। सो जो इंटरैक्टिव आपने लाइव शो देखा इट्स पार्ट ऑफ माई न्यू कॉन्सेप्ट जो मैं इस सीजन में लॉन्च कर रही हूँ फॉर माई लाइव शोज, इट्स LED इंटरैक्शन अलॉन्ग विथ माई परफॉर्मेंस। लीजा यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, यू नो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आपने नहीं कहा इनवाइट में हर जगह पे लिखा हुआ था कि आई एम ब्यूटी सेक्सी लेडी राइट, एंड जब हमने ये थोड़ी बहुत आपके मेहमानों से जानने की कोशिश की कि आपका ये कहना है दैट यू आर द ओनली सेक्सी लेडी, उनका मन थोड़ा कठोर हो गया, उन्होंने नो इवन वी
सी अपना बेबी हर किसी को अच्छा लगता है, अपने मुंह तारीफ वैसे लोग कम करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जितने गेस्ट हैं वो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, सो दे ऑल आर ओवर कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट लाइक मी. जैसे मैं एकदम डिक्लेयर करके बोल रही हूँ आई एम द ओनली सेक्सी लेडी, वो मेरे से बहुत बड़े हैं लेवल पे डिक्लेरेशन में. सो दे ऑल आर सेक्सी, चाहे वो मेल फ्रेंड्स हो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हो, एंड आपके सामने फिलहाल द हॉट एंड हैपनिंग सेक्सी लेडी खड़ी है, सो वी ऑल आर डिक्लेयरिंग दैट वी आर सेक्सी. लास्टली यू नो लीजा, वैसे तो हर किसी इंसान का सपना होता है, आपके सपने क्या है या आप ऑलरेडी उसको अचीव कर चुकी हैं या कर रही हैं? सी सपना लाइफ में बहुत होता है, आप एज अ ह्यूमन हर चीज़ को अचीव नहीं कर सकते. अगर हम हर चीज़ को इस एक लाइफ में अचीव कर ले तो हम खुद भगवान बन जाए. बट हाँ, मेरा सपना ज़रूर रहा था कैमरे पे रहना, लाइव शोज़ करना, और जो भी करना पूरे दिल से करना और लोगों से इन रिटर्न तारीफ पाना. सो पिछले 7-8 सालों में मैं करीब 550-600 शोज़ कर चुकी हूँ लाइव, और कम ही होगा कि लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, आज तक तारीफ ही की है. सो जब लोग तारीफ़ करते हैं मेरा सपना पूरा हो जाता है कि मैंने अच्छा काम किया है. मतलब मेरे लिए तो बहुत कमाल है, मैं तो जानता भी उनको, तो टिप टिप बरसा पानी में ऑलरेडी ये परफॉर्म कर चुकी है, लेकिन टिप टिप बरसा से ये 4 गुना ऊपर अब इन्होंने प्रोग्रेस कर लिया है. मैंने अभी उनका पहली बार परफॉर्मेंस देखा, एक्चुअली मैं वीडियो में तो देख चुका हूँ इनको काफ़ी बार, मतलब पहले भी देखा था, अभी भी हमने शूट पर भी देखा, लेकिन इनका लाइव परफॉर्मेंस मैंने पहली बार देखा. इनमें जितनी एनर्जी है बहुत कमाल की एनर्जी है, और बेसिकली ये गाना मतलब हम लोग ने जब किया तो हमने सबसे पहले हमने सोचा था रिमिक्स करने का, कोई और पुराना गाना हमारी, लेकिन फिर हमने सोचा कि रिमिक्स, फिर मैंने लीजा से कहा कि रिमिक्स नहीं करते हम लोग एक नया गाना रिकॉर्ड करते हैं. तो लीजा थोड़ी सी नर्वस हो गई कि सर नया गाना तो हम लोग कैसे, मतलब नया गाना रिकॉर्ड करने के लिए तो वो हिट होना बहुत ज़रूरी है. मैंने बोला आप मेरे पर थोड़ा भरोसा करो, हम लोग मिलकर कुछ गाना बनाते. तो हमने काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टरों से हमने सिटिंगें वगैरह की, तो काफ़ी सिटिंग होने के बाद हमने हमजत नदीम जो म्यूज़िक डायरेक्टर है उनका एक गाना हमें बहुत पसंद आया, तो हम सब लोगों ने मिलकर उसको ओके किया और वो आज आपके सामने. थैंक यू. माइलस्टोन. इसके अंदर जो है वो एक रीमिक्स गाना था, ये ओरिजिनल गाना है. ओरिजिनल गाना बनाने का मजा ही कुछ और होता है, और जिस हिसाब से चंपक जी ने गाना बनवाया है और लीजा ने परफॉर्म किया है, टिप टिप से तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और बस दोनों की परफॉर्मेंस से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आती है. दैट्स इट. बेसिकली बर्थडे परसों है 8th of October, बट सिंस आई एम ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया मेरे कमिटमेंट शोज की वजह से, तो हमें एक दिन पहले लॉन्च करना पड़ा. एक्साइटेड बहुत थी क्योंकि पिछले वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था, सो उम्मीद ये थी कि उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिले. अभी फिलहाल लाइव ऑडियंस का रिस्पांस तो कमाल है, आगे होप करते हैं और प्रे करते हैं कि यूट्यूब पे भी आप लोगों का रिस्पांस पिछले वीडियो से दुगना हो. थैंक यू. And happy to all our viewers. Yes. We wish them happy. Thank you very much. Come touch me, I am the only sexy lady. Come hold me, yeah. I am the only sexy lady, lady. I wanna love you, baby. Come give me some love. आई थिंक लीजा इज एन सुपर परफॉर्मर और एक बहुत अच्छी सिंगर भी है, ये उनका टैलेंट मुझे बाद में पता चला कि वो गाना भी गाते हैं, बट आई थिंक शी इज फैबुलस इन व्हाट एवर शी डज एंड द होल वर्ल्ड लव्स हर, शी परफॉर्म्स एवरीवेयर एंड वी हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ शोज ऑल्सो टुगेदर. सो आई थिंक ऑल माई बेस्ट विशेज एंड माई गुड विशेज आर फॉर लीजा, एंड इट्स एन ऑसम एल्बम, सब देखें और इसे पसंद करें. हाँ, हाँ, इस महीने मेरा गाना आएगा, मेरा एल्बम है, एल्बम का नाम माँ है, और बहुत जल्दी आप सबके सामने मैं से लेके आऊँगा, आई थिंक अराउंड एंड ऑफ अक्टूबर. और हमेशा मैं लोगों को पार्टी कराता हूँ, इस बार मैं सबको रुलाने वाला हूँ, और ये जब आएगा तब आप सब देखेंगे. जो गाना, जैसे मैंने आपको बताया,
नहीं, आई थिंक लीजा इज डन अ फैंटास्टिक जॉब. मैं उसको उस तरह से नहीं कर पाऊंगा. एंड आई थिंक शी इज डन एन अमेजिंग जॉब एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेट ऑल्सो एक एल्बम में साथ में, विच होपफुली यू विल सी सून. सो जस्ट वेटिंग फॉर इट. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू वीनस फ्रॉम माई साइड एंड बहुत बहुत बधाई लीजा को. आज के दिन ईद मुबारक के दिन उनका एल्बम का लॉन्च हुआ है. लीजा मलिक इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेस और अभिनेत्री, बहुत अच्छी हैं और बहुत फाइन हैं उनमें. मैं चाहती हूँ अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए और मैं ये चाहती हूँ वो बहुत बहुत नाम कमाएं और शोहरत कमाएं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री.